बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड में अब ईवी चार्जिंग स्टेशन जल्द बनेगा। स्टेशन बनाने के लिए जमीन का ब्यौरा मांगा गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। प्रति 100 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेगा। 2030 तक प्रति 50 किलोमीटर पर स्टेशन बनाने की जो योजना है वो तय की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो तमाम प्रयास है, व्यवस्थाएं हैं, वो की जाती है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और अब जो यात्री यहाँ पहुंचेंगे, जो भक्त यहाँ पहुंचेंगे, उनके लिए एक और एक बड़ी सुविधा आने वाले वक्त में मिलेगी। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उनको अस्तित्व में लाया जाए। और जो परिवहन विभाग है, इसको काफी समय पहले जब देहरादून के ही मसूरी में जब एक मंथन कार्यक्रम हुआ था, तो उस दौरान इसके लिए परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब परिवहन विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसकी व्यवस्था के लिए पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो कहाँ कहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, इसके लिए जो भूमि है वो कितनी होगी ये भी तय कर लिया गया है। और 2025 तक प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो ये विभागों से संबंधित, जिलाधिकारियों से संबंधित और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से संबंधित ये पूरा का पूरा मामला है। और सरकार की कोशिश है कि जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कम करने के लिए खास तौर पर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, इस पर फोकस कर रही है। और चारधाम यात्रा मार्गों पर जो है ये सुविधा उपलब्ध हो तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी सुविधा होगी। और आने वाले 2030 तक विभाग का ये लक्ष्य है कि शुरुआती दौर में 100 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा और आने वाले समय में फिर 50 किलोमीटर इसकी दूरी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं विभाग और विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस कवायद में जुट गए हैं और उम्मीदें की जा रही है कि जल्द ही इसके लिए जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली जाएगी और रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी और शासन की मंजूरी के बाद जो है इसको धरातल पर इसका कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के टूरिस्ट के लिए एक बेहद राहत की खबर सामने आई है, जहां अगले साल यात्रा सीजन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाएंगे। जीएमवीएन के टून स्थित सबसे बड़े ड्रोन होटल में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेगा और इसके बाद चारधाम यात्रा रूट पर जीएमवीएन के 13 अन्य गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि जो कई गेस्ट हाउस ऐसे होंगे जो माली दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन खोलने से जहां जीएमवीएन की आमदनी होगी, वहीं इन गेस्ट हाउस की माली हालत भी सुधरेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें नादी टीवी।